नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश में आइडेंटिफिकेशन, व्यक्तियों का आइडेंटिफिकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, इसलिए हमको NPR और NPR के बाद NRC अनाउंस करनी पड़ी। CAA के संशोधन के बाद जिस प्रकार से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमको NRC करनी पड़ेगी और हम NRC करके रहेंगे, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि असम में जो NRC हुई है उसको भी दोबारा रिव्यू में लाएंगे, लेकिन हमने देखा कि CAA का विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ NRC का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मामले में कहा गया कि पहले NPR एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा और उस पॉपुलेशन रजिस्टर से आज की तारीख में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हिंदुस्तान के कितने लोग हैं। जब NRC होगा तो नेशनल रजिस्टर बनते समय सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और आइडेंटिफाई करके ये बताया जाएगा कि कौन भारतीय है, और अगर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता तो ये वेरिफिकेशन होगा कि वो आखिर कहाँ का है। वो बांग्लादेश का है, वो रोहिंग्या है, वो पाकिस्तान से घुसा, वो अफगानिस्तान से घुसा, लंका या नेपाल से आया, अब या कहीं और से आया। जब उसका ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसको उस देश में डिपोर्ट किया जाएगा। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, और 2019 में किस प्रकार से देश भर में बवाल हुआ, 2020 में किस प्रकार से देश भर में बवाल हुआ। अच्छा तो ये हो गया कि उस समय कोरोना आ गया, शाहीन बाग हमने देखा, हमने चांद बाग देखा, हमने बहुत कुछ देखा, हमने हर्ष मंदिर देखा, हमने शहरुल इमाम देखा, हमने बहुत सारे आमिर खान से लेकर शाहरुख खान सबके स्टेटमेंट देखे, किसी को भारत इनटॉलरेंस लगता था तो किसी को भारत रहने लायक नहीं लगता था, और बहुत सारे स्टेटमेंट आए। सरकार प्रतिबद्ध थी कि NRC करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अपना काम किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से मतलब है कि जब ट्रांसपोर्ट एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया तो सरकार ने ये कहा कि भाई जो भी स्टेट का डेटा है, मोटर व्हीकल का, लाइसेंस का, लोगों के लाइसेंस का, वो सब एक नेशनल पोर्टल पर शेयर होगा। अभी आप देख ही रहे होंगे कि लगातार नेशनल पोर्टल पर शेयर हो रहा है, और उसका फाइनल जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि फास्टैग लगा दिए गए, फास्टैग कंपलसरी कर दिए गए, और कंपलसरी फास्टैग का मतलब हो गया हर एक गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हो गया, और यहाँ तक कि देश में कौन सी गाड़ी कहाँ पर घूम रही है, किस समय कहाँ पर घूम रही है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। और डिजिटल जिस प्रकार से भारत में कंपेन चला, उससे तो अब पेमेंट भी डिजिटल होता है पेट्रोल पंपों पर, तो इसका मतलब हो गया कि अब 80-90% लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो आखिर किस समय कहां पर हैं और कौन सी गाड़ी किसके नाम से है, कौन सी गाड़ी कहां से मूव कर रही है। ठीक है, ये सब कुछ सरकार ने किया। इसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड पर सरकार ने काम किया, तो वन राशन कार्ड वन नेशन पर जब सरकार ने काम किया तो फिर उस पर बहुत सारे स्टेटों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या बुराई है, इसको होना चाहिए। ऐसे मैं आपको 50 ऐसे कानून गिना सकता हूँ जिसमें कि पूरे देश में एक NRC टाइप की गई, भले ही वो NRC फिजिकली नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, लेकिन NRC हो रही है, यानी कि रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और उनको आपस में डिजिटली लिंक किया जा रहा है, चाहे वो मैंने जैसे कहा राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर वो व्हीकल का कार्ड हो, या और किसी प्रकार के ग्रीन कार्ड देश में जो लोगों ने बना रखे हैं वो सब हमने एक साथ लिंक कर दिए। अब लिंक जिससे जैसे जैसे होता ही जा रहा है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि रसोई गैस का सिलेंडर अगर आपने रजिस्टर करके रखा है तो जो भी आपने लास्ट बैंक अकाउंट में अपना आधार लिंक किया था उस लास्ट बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सब्सिडी आती है। सब्सिडी अगर आप क्लेम करते हैं या एलिजिबल होते हैं तो उसी अकाउंट में सब्सिडी आती है। सब्सिडी के लिए आप जो भी गैस अथॉरिटी को अपना आइडेंटिटी दें, जो भी अकाउंट नंबर दें, उसमें नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है। हमने थंब इम्प्रेशन से पैसा निकालना, हमने इसी मामले में आपको याद होगा जनधन कार्ड बनाना, और ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे ये
जो जो मेन सिक्योरिटी थ्रेट है देश के ऊपर, उससे हम निजात पा सकें, उससे हम आसानी से मिल सकें। लेकिन अब जो सरकार ने करना शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा में शुरू किया है, मुझे लगता है वो काबिले तारीफ है और वो इतना खतरनाक है उन लोगों के लिए जो देश में बाहर से आए हुए हैं या भविष्य के लिए भी जो भारत में आना चाहते हैं या भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं, उन सबको एकदम आइडेंटिफाई करने वाला। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एनआरसी का भी बाप है। अब एनआरसी से दिक्कतें आपको पता ही था कितनी थी और एनआरसी के बाप से कितनी दिक्कतें होने वाली हैं ये भी पता है। हरियाणा में जब पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है तो फिर कांग्रेस ने वहाँ, हरियाणा की कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसके खिलाफ एक मुकदमा भी डाल दिया है और ये कहा गया है कि प्राइवेट जो प्राइवेसी है लोगों की, वो भंग कर रही है सरकार और लोगों की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों का आधार ही इस बात पर हो, जिन लोगों की पूरी राजनीति इस बात पर हो कि देश में विदेशी घुसपैठिए जब तक नहीं आएंगे तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकते, और विदेशी घुसपैठियों की ताकत पर ही, उनके सहयोग से, उनके नंबर से ही हम सत्ता प्राप्त करेंगे और फिर यहाँ के बहुसंख्यक समाज को मारपीट करेंगे, और यहाँ तक कि एक बहुत बड़े समाज का उद्देश्य है कि भारत को कैसे दारुल इस्लाम बनाया जाए। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की कि नोटबंदी करके सरकार ने क्या हासिल किया था। लोग परेशान ज़रूर हुए होंगे लेकिन हासिल ये किया कि CAA NRC के दौरान जहां पर बॉम्ब चलने चाहिए थे वहां नोट ख़त्म हो चुका था, तो भारत में केवल पत्थर चल रहे थे, भारत में केवल भीड़ तंत्र चल रहा था, भारत में केवल शाहीन बाग बन रहा था, भारत में केवल चौराहे जाम हो रहे थे लेकिन बॉम्ब विस्फोट नहीं हो रहे थे। ये चीज़ें लोगों को आसानी से समझ नहीं आती लेकिन हुआ तो है ही। सरकार ने क्या किया, मैं उस प्रोजेक्ट के पर आता हूँ कि सरकार ने क्या किया, एक PPP NRC के ही तर्ज पर उसका भी एक पितामह PPP लागू किया। अब NRC में क्या दिक्कतें आती हैं, NRC की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये आती है कि नेशनल रजिस्टर जब आप बनाओगे तो इंडिविजुअल पर्सन को पहचानना होता है। अब वो उसका कोई साथी अगर कह देता है कि हम यहाँ पर थे या ये हमारे साथ पिछले 20 वर्ष से रहते हैं, ये NPR में भी ये व्यवस्था की गई थी कि वो ये बता दे कि हम यहाँ पर रहते हैं, ये हमारे साथ 20 साल से रह रहे हैं, इनके परिवार को मैं जानता हूँ, या सभासद लिख कर दे दे या जनप्रतिनिधि लिख कर दे दें। ऐसे बहुत सारे लोग अगर उसको लिख कर दे दें तो फिर उसकी NRC हो जाती है। लेकिन अब NRC किसी के कहने से नहीं हो सकती और NRC में वो पकड़ा ही जाएगा, यानी कि PPP में वो पकड़ा ही जाएगा। और ये जो PPP है इसको मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि 2020 में हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया था और हरियाणा सरकार 2020 में इसका पब्लिकेशन अगर मैं कहूं तो दिसंबर 2020 का है, 2020 में इसको शुरू किया गया था लेकिन काम उस पर धीरे धीरे चल रहा था। हरियाणा सरकार का कहना है कि 64 लाख परिवारों को हम इसमें ला चुके हैं। हालांकि हरियाणा, जैसे मैंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वो हरियाणा में लागू किया गया है, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब भी कोई बड़ी स्कीम लानी होती है सरकार को तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट किसी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक मोहल्ले में कहीं शुरू करती है। और ये तो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको मोहल्ले में या डिस्ट्रिक्ट में शुरू नहीं किया जा सकता, एक स्टेट में शुरू किया जा सकता है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा में लागू हुआ, हरियाणा सरकार ने इसको जब अपने यहाँ कानून के रूप में रखा तो उसका कहना ये है कि जो तमाम तरह की पॉलिसीज़ हैं, तमाम तरह के जो बेनिफिट्स हैं और तमाम तरह की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का लाभ अंतिम व्यक्ति तक हो और परिवार का कोई भी व्यक्ति लाभ लेने से वंचित ना रहे, इसके लिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। यानी कि वो जो एक्सप्लेन कर रही है राज्य सरकार, वो ये कह के लोगों को सेटिस्फाई कर रही है कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, इकोनॉमिकली कोई वीक ना रहे और कोई बेनिफिट किस ऐसा ना हो कि अंत्योदय ना हो सके। अंत्योदय जो
मूलतः योजना है, दीनदयाल उपाध्याय जी का एक थॉट था कि अंतिम हाथ तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ मिलना चाहिए। तो इनका कहना है कि अंत्योदय तक इसका लाभ होना चाहिए। इसको 2020 में इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का एक यूनिक डेटा जनरेट करना शुरू किया था। यूनिक डेटा जनरेट करने से मतलब इनका था कि एक परिवार का डेटा हम मेंटेन करेंगे, जिसको कहा गया हरियाणा परिवार पहचान बिल 2020, इसी को PPP परिवार पहचान को बताया गया कि भाई एक परिवार पहचान का नंबर होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर फैमिली का होगा, और उसके नीचे ये जो आधार होगा वो होगा। कैसे? जैसे आधार तो सभी का बना ही है, अब परिवार में सभी का आधार बना हुआ है, उस आधार का भी एक यूनिक नंबर होगा कि ये परिवार से लिंक्ड इतने आधार हैं। इसी को उन्होंने परिवार पहचान पत्र कहा है, PPP। अब परिवार पहचान पत्र का दूसरा उद्देश्य इनका यह है कि राज्य के अंदर जो एक परिवार है उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि साहब हम तो हमको ये जानते हैं लेकिन मेरा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि ये एक लीगल कंप्लाइंस शुरू से भी है। शुरू से मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे कोई सक्सेसर आता है, कोई व्यक्ति डेथ हो गई, उसके बच्चों को सक्सेशन कैसे हो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार, तो परिवार रजिस्टर मांगा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ लगाया जाता है, परिवार रजिस्टर वो बनाता है, परिवार का एक सिजरा बनाता है, उस सिजरे में हम कहीं आते हैं तो फिर हम जाकर उसको लगाते हैं। दूसरा ये भी होता था बड़ी प्रॉब्लम कि अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट अपने को बनवाना होता था तो हम कोर्ट में क्लेम करते थे, एक तो डीएम क्या बनता है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम के क्लेम की होती है, उससे बड़ा 5,000 रुपये से ऊपर का क्लेम बनता है तो आपको सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा डालना पड़ता था, और सिविल जज के यहाँ वो सम्मन नोटिस करके ये वो करके तब कहीं साल दो साल में मुकदमा चलने के बाद एक सक्सेशन सर्टिफिकेट अपने को मिलता था, और हम कोर्ट में बहुत ताकत लगाते थे, बहुत जान लगाते थे। ऐसे बहुत सारी एनोमलीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भारत में लोगों को होती थी। अब ये जो परिवार पहचान पत्र बनाएंगे, या जिसको बिल के नाम में रखा गया हरियाणा परिवार पहचान बिल 2021, इसमें हम परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने वाले हैं, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। राज्य सरकार का कहना है कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एंट्री होगी, किसी का विवाह से उस परिवार में वो जुड़ता है तो उसकी एंट्री होगी, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपडेट किया जा सकता है। दूसरा, हरियाणा सरकार ने इस पर ऑलरेडी एक वेबसाइट पब्लिश कर रखी है, और उस वेबसाइट का मैं आपको नाम बता दूँ कि meraparivar.haryana.gov.in meraparivar.haryana.gov.in ये एक वेबसाइट उन्होंने डाल रखी है, और कहा है कि आप अपने परिवार का जो परिवार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको जैसे ही डालेंगे तो आपके पूरे परिवार की हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, बशर्ते वो उसमें लॉगिन का एक सिस्टम बना रखा है कि आपका फ़ोन नंबर जुड़ा होगा तो उस पर OTP आएगा, OTP आने के बाद वो आपके परिवार का पूरा सिजरा उसमें निकल आएगा, और अगर आपको अपने परिवार के बारे में कोई अपडेट करना है, आपके घर में कोई विवाह हुआ है तो उस पर अपडेट कर सकते हैं, उसके फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, कोई बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट डालकर उसकी अपडेट दे सकते हैं, कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट उसी पर डालकर उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके अपडेट का गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी उस पर बैठेगी वो अगर अप्रूवल दे देती है और साइट पर वो पब्लिश हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको किसी अन्य सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके परिवार का सिजरा ऑलरेडी उस पर होगा। अगर परिवार में कुछ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोगों को कास्ट का लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को कास्ट का रिजर्वेशन लाभ नहीं मिल रहा है, ये इस तरह की और बहुत सारी दिक्कतें जो आ रही हैं कि परिवार के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब कुछ आपके इस एक पेज पर, परिवार के पेज पर मौजूद होगा। आपकी कार, आपके घर में जो बेनिफिट्स आपके पास हैं, आपके घर में फ्रिज कितने हैं, आपके घर में टेलीविज़न कितने हैं, आपके घर में कारें कितनी हैं,
उनके आधार पर जो स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है वो सारे बेनिफिट ये ही पत्र डाउनलोड कर लीजिए, सर्टिफाई कर लीजिए, इस पत्र को कहीं भी आप लगाएंगे, अपना यूनिक परिवार का नंबर देंगे तो फिर कोई भी अथॉरिटी इस साइट पर जाकर आपके परिवार का वेरिफिकेशन करके आपको लाभ के लिए एलिजिबल बता देगी या नहीं एलिजिबल है तो नहीं एलिजिबल कह देगी। मुझे लगता है इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो लाभ ये है कि देश में कोई भी व्यक्ति बाहर से घुसता है और उसके पास परिवार PPP नहीं है, यानी कि परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है, उसके NRC की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब हमें जब परिवार पहचान पत्र हमारे पास है तो हमें किसी नई NRC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी केंद्र सरकार NRC करवाएगी तो हमारे परिवार पहचान पत्र से हमको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि हम इसी देश के रहने वाले हैं, हम इसी देश के निवासी हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं, और अलग से हमको कोई भी नई आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि आधार बनवा लिए गलत तरीके से, पैन कार्ड बनवा लिए गलत तरीके से, या फिर पासपोर्ट बनवा लिए गलत तरीके से, ये सब कुछ गलत तरीके से परिवार बनवाकर रोहिंग्यास के लिए क्लेम किया जाता है, बांग्लादेशियों के लिए क्लेम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बाहर से आया व्यक्ति, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से किसी से भी आया हुआ व्यक्ति अगर वो CAA के दायरे में नहीं आता है तो परिवार पहचान पत्र की आइडेंटिफिकेशन होते ही उस व्यक्ति को डिपोर्ट करने के लिए हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब ये तो जब सरकार करेगी, क्योंकि ये NRC का भी पिता है और NRC इसके ही बेस पर आसानी से होने वाली है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को कष्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि ये तो प्रिवेसी भंग है, कांग्रेस ने कहा ये तो आप भ्रष्टाचार, मतलब उनका उनका मानना ऐसा रहा होगा इससे तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्योंकि परिवार में एक ही बात के लिए चार लोग बेनिफिट ले आते हैं, वो चार लोगों का बेनिफिट रुक जाएगा, परिवार में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्लेम करते हैं बहुत सारे रुक जाएंगे, परिवार रजिस्टर जो बना होता है उस रजिस्टर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी होती हैं, वो सब कुछ पकड़ जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट उससे लिंक हो जाएंगे तो फिर हमारी आय पकड़ जाएगी, हमारी वेल्थ पकड़ जाएगी, ऐसे भ्रष्टाचार के जितने भी रास्ते हैं वो रास्ते सब बंद होने वाले हैं। दूसरा, देश में आइडेंटिटी के लिए कोई मारामारी नहीं होने वाली है, नए व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता है और उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए PPP परिवार पहचान पत्र हरियाणा में शुरू किया है, हरियाणा सरकार ने उसके लिए ऑफिशियली एक 2021 बिल लाए लेकर आए, उस बिल को ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये कहा गया कि इसको स्टे कर दिया जाए परिवार पहचान पत्र को। राज्य सरकार का कहना है हमने 65 लाख परिवार ऑलरेडी इस पर रजिस्टर कर दिए हैं और इसके अलावा बाकी परिवारों को रजिस्टर करके हम हरियाणा को पूरा सिक्योर एंड सिक्योरिटी के साथ बनाना चाहते हैं, हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, एक यूनिक स्टेट बने यूनिक आइडेंटिटी के आधार पर। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, उनके दर्द इसलिए नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा, उनके दर्द इसलिए हो रहा है कि हरियाणा के अंदर मेवात जैसे स्थान नए कैसे बनाए जाएंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कैसे बसाया जाएगा, और देश में लोगों का दर्द होना स्वाभाविक भी है। हाँ, भ्रष्टाचारियों के पेट में भी दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा बैन लगाएगा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसने धीरे धीरे करके सब कुछ डिजिटल कर दिया है, सब कुछ डिजिटल से मतलब हरियाणा का ये है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अगर हरियाणा में करवानी होती है तो एक पोर्टल पर डालना होता है, एलिजिबल अगर आप हैं जो उसने सॉफ्टवेयर में बना कर रखा है तो फिर आप का ट्रांसफ़र अपने आप हो जाता है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कहीं चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ हरियाणा सरकार लगातार कर रही है और मुझे लगता है कि मोदी जी की जो डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी है वो पॉलिसी कारगर होती दिखाई पड़ रही है। अगर हरियाणा में ये सफल होगा, और सफल तो निश्चित रूप से होना ही है, सफल होगा तो ये पूरे देश में लागू करने में कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली, और पूरे देश में अगर आप इसको PPP लागू कर देंगे, यानी कि परिवार पहचान पत्र लागू कर देंगे, तो मुझे तो हार्दिक खुशी होगी, आप सभी को खुशी होगी कि मेरा परिवार है तो मेरा परिवार का पहचान पत्र भी है, और उसको खोया क्यों जाए, उसको छुपाया क्यों जाए, और उसको न बताने का कारण क्या है। ये कोई भी कारण ऐसा अपने पास नहीं है जिससे ये कहा जाए कि नहीं परिवार की आइडेंटिटी नहीं बनानी बतानी। मुझे लगता है कि ये एक यूनिक एक्ट है और ये देश को एक नई दिशा
ज़रूर दिखाएगा। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है जो उन्होंने हरियाणा से शुरू की है। आप सभी से आग्रह है, हरियाणा वालों से तो से विशेष तौर से, कि आप परिवार पहचान पत्र रजिस्टर कर लीजिए। अपने आप भी एडिट कर सकते हैं, अपने आप उसको कर सकते हैं, जैसे आप आधार कार्ड को अपने आप एडिट कर लेते हैं, जैसे आप और अपनी डिटेलों को अपने आप एडिट कर लेते हैं ऑनलाइन, वैसे इसको भी कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं कि NRC का पिता पैदा हो गया है, और हालांकि बेटा पहले पैदा हुआ लेकिन बाप भी पैदा हो गया है। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।